घनी चोखी बात की है अपना चौरसिया जी ने, और देखो मालवी बोली तो बहुत हव लागे है और बड़ी मीठी मीठी लागे और यहाँ का बारे में कहे भी कि मानव धरती ग्रहण गंभीर ने डग डग रोटी ने पग पग नीर, इतनी प्यारी भूमि है। और मालवा के इस जगह से हम लोग इस प्रोग्राम को लेकर सभी श्रोताओं के बीच है जिसका नाम है हम होंगे कामयाब, मध्य प्रदेश के सभी केंद्रों से रिले किया जा रहा है। और आइए सुधा जी अब अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप? तूफान डांगी पटेल बोल रहा हूँ सर, तूफान डांगी पटेल, गांव कोटड़ा बहादुर, जिला मंदसौर। जी तूफान जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे उसके बारे में बताएं। सर आपकी पसंद का गाना सुना दीजिए। हमारी पसंद का आपको गाना सुनवाए, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे बताइए कि आपके शहर में कोरोना की जंग कैसी चल रही है और आप क्या कर रहे हैं खुद? देखिए हम सबसे पहले तो मैं खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा हूँ और जो साबुन से हाथ धो रहा हूँ जब भी कुछ चीजें खाने की हो या कुछ भी हो। और मैं माननीय हमारे कलेक्टर महोदय का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने कि कहीं पहले हमारे जिले को सील कर दिया है। बहुत बढ़िया, क्योंकि मंदसौर की तरफ जो दूसरी तरफ से आते हैं पलायन को लेकर स्थितियाँ बिगड़ सकती थी। जी जी बिल्कुल, हमारे महोदय ने, कलेक्टर महोदय ने बहुत बढ़िया काम किया, काफी पहले से जिला सील कर दिया और तमाम जो बाहरी आवागमन है बिल्कुल रोक दिया है उन्होंने, और गांव में भी अच्छी तरह से देखभाल करवा रहे हैं। पंचायत के विभाग के लोग और पुलिस कर्मचारी, डॉक्टर, मेडिकल टीम आती है। संजीव जी, आपसे और इनके माध्यम से सभी श्रोताओं से कहूंगी, कलेक्टर साहब ने तो बहुत अच्छा काम हमारे यहाँ भी किया है लेकिन हम नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, और सिर्फ शहरों तक ही इन बातों को नहीं मानना है, ग्रामीण क्षेत्र में भी इन सभी प्रावधानों पर हमें जो है और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस दी जा रही है उसकी पालना करना है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम तो गांव में रहते हैं, हमें इन चीजों की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। संक्रमण किसी को देखकर या पूछकर नहीं आता, अगर ये फैल गया तो बहुत ज्यादा इसके दुष्परिणाम आएंगे। तो बार बार अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे से धोएं, कम से कम 25 से 30 सेकंड तक। गांव में भी आप कोई भी काम करते हैं साबुन रखिए, पानी से बढ़िया से अपने हाथ धोइए, उसके बाद फिर आप कोई दूसरा काम करें। तो जितनी जल्दी बार बार अपना हाथ को धोएंगे और अपने चेहरे को धोएंगे उतना आप इस संक्रमण से दूर रहेंगे। तो सुधा जी हमारे ये नियमित श्रोता है, इनको सुनवाते हैं हमारी पसंद का ये गीत, सुनिए। हेलो सर, हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि हर व्यक्ति अपने दिल में देश के लिए कुछ करने की चाहत रखता है, तो मैं सबसे पहले उन लोगों को यह कहना चाहूंगा कि देश के लिए कुछ करना है तो आज ये अवसर मिला है। देखिए ऐसी विडंबना है कि पहले सबसे पहले अपने लिए कुछ करें, अपने आप को बचाए और अपने जो डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी, मेडिकल स्टाफ का सहयोग दे कि अपने आप को बचाएंगे तो ऑटोमेटिक हम इस चीज को जीत जाएंगे, इस जंग को जीत जाएंगे। बिल्कुल सही, अगर देश को बचाना है तो अपने आप को बचाइए, देश अपने आप बच जाएगा। बहुत अच्छी बात कही आपने, आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गीत जो इस वक्त हम सबकी एकता के लिए भी भाव प्रदर्शित करता है, सुनिए।